हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, बात करेंगे आज के इस वीडियो में हेमेस्टर कॉम्बैट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स की। और अगर आप हेमेस्टर कॉम्बैट से जुड़े होंगे तो आपको ये पता लग ही गया होगा कि आज यहाँ पर हेमेस्टर की जो वेबसाइट है, जो यहाँ पर आपका टैब बोर्ड है, वो ओपन नहीं हो रहा है। जैसे ही हम ओपन करेंगे, यहाँ पर क्या कुछ आ रहा है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं और इसको लेकर क्या कुछ अपडेट देखने को मिल सकती है। सबसे पहले, जैसे ही आप यहाँ पर हेमेस्टर कॉम्बैट का जो टेप टू बोर्ड एप्लीकेशन है उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे, कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिलेगा। मतलब क्या लिखा हुआ है? वेब पेज नॉट अवेलेबल, एरर नेम नॉट रिजॉल्व। यहाँ पर इस प्रकार का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल रहा है। मतलब इनका ये कहना है कि वेब पेज जो है वो अवेलेबल नहीं हो रहा है, मतलब टेलीग्राम पर ये अभी ओपन नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पर एक सैंडल पर देखेंगे, काफ़ी सारे यहाँ पर जो यूज़र्स है वो इसको मेंशन भी कर रहे हैं और हेमेस्टर कॉम्बैट यहाँ पर ट्रेंडिंग में आ चुका है। ऑफिशियली अभी तक इनकी टीम के द्वारा कोई भी अपडेट नहीं आया हुआ है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे यूज़र्स यहाँ पर इसको लेकर नेगेटिव भी हो रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि या तो यहाँ पर कुछ ऐसा है जो इनकी टीम के द्वारा रिवील किया जा सकता है, क्योंकि जुलाई का मंथ अभी चल रहा है और इन्होंने कहा था कि जुलाई के मंथ में इनकी लिस्टिंग या टोकन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होने वाला है। लेकिन उससे पहले ये एक बार ज़रूर यहाँ पर कमेंट करके बताते, या फिर इनका जो मैसेज है वो एक सैंडल पर आता, टेलीग्राम पर आता, लेकिन नहीं आया हुआ है। तो एक प्रकार से यहाँ पर ये जो ग्लिच है वो देखने को मिल सकता है, जो ओवरलोड है वो हो सकती है एप्लीकेशन, लेकिन अभी तक ओवरलोड नहीं हुई है। तो एक क्वेश्चन भी है कि इतने समय के बाद यहाँ पर ये कैसे ओवरलोड जाएगी, 250 मिलियन यूज़र्स होने के बाद कैसे ओवरलोड जाएगी। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग इसे यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि हेमेस्टर कॉम्बैट जो है वो हमारा वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको चिंता नहीं करना है, हमारा भी वर्क नहीं कर रहा है, काफ़ी सारे यूज़र्स का वर्क नहीं कर रहा है। और अगर आपका वर्क कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही यहाँ पर जो आज का डेली सिफर कोड है वो भी हमने अवेलेबल कर दिया है, उसको भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्या है सिफर कोड, अगर ओपन हो रहा है तो ही पता चलेगा। तो ओपन हो रहा है तो आप डाल लीजिए आज का सिफर कोड जो हमने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया हुआ है, वो है यहाँ पर ट्रस्ट। कैसे डालना है, कैसे करना है, ये आपको पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। 14th of July का ये आपको यहाँ पर कार्ड मिल जाएगा, क्लेम कर सकते हैं आप 1 मिलियन पॉइंट। अभी भी यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है, जैसे हम ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दिक्कत कब से आ रही है, अगर हम देखें तो ये जो दिक्कत है वो लास्ट 1 or 2 hours से देखने को मिल रही है। मतलब 1 से 2 घंटे हो गए यहाँ पर इस प्रकार की जो एरर की न्यूज़ है वो आ रही है कि यहाँ पर हेमेस्टर कॉम्बैट ओपन नहीं हो रहा है। और शायद मुझे लगता है ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जब यहाँ पर ये जो एरर है वो देखने को मिल रहा है, मतलब हेमेस्टर कॉम्बैट जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। आपको यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सर्वर प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से यहाँ पर आपका हेमेस्टर कॉम्बैट ओपन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर अभी ये क्वेश्चन भी उठ रहा है कि क्या अकाउंट यहाँ पर सस्पेंड होंगे। तो हाँ, बिल्कुल होने वाले हैं, अकाउंट भी यहाँ पर सस्पेंड होंगे। कुछ ऐसे यूजर्स जो यहाँ पर इनके रूल्स और रेगुलेशन को वॉयलेट कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके अकाउंट यहाँ पर बैन किए जा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आया हुआ है जहाँ पर क्या कहा हुआ है, योर अकाउंट हैज़ बीन बैन फॉर यूजिंग अनऑथोराइज्ड बोट्स। अगर आप यहाँ पर अनऑथोराइज्ड बोट्स को अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर बैन कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉयलेशन ऑफ और टर्म्स ऑफ सर्विस लिखा हुआ है, ऑटो क्लिकर, योर अकाउंट हैज़ बीन बैन ड्यू टू द यूज़ ऑफ ऑटो क्लिकर। अगर आप यहाँ पर प्ले स्टोर से ऑटो क्लिकर डाउनलोड कर लेते हैं और ऑटोमेटेड टूल्स का यूज़ करते हैं तो वो भी यहाँ पर अलाउड नहीं है, तो भी आपका अकाउंट जो है वो बैन कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है अगर आप हेमेस्टर पर वर्क कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। ऐसी कोई भी स्टेप यहाँ पर नहीं करना है जिससे आपका अकाउंट यहाँ पर बैन हो जाए। योर अकाउंट हैज़ बीन बैन फॉर यूजिंग क्लोन ऐप्स सच एज एक्टिविटीज ब्रीच और गाइडलाइंस एन आर स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। यहाँ पर अगर आप क्लोन ऐप्स का यूज़ कर रहे हैं तो भी आपके अकाउंट को बैन कर दिया जाएगा। तीनों कंडीशंस में आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, बोट्स का यूज़ करने पर, ऑटो क्लिकर का, क्लोन ऐप्स का। अगर आप पहले बोट्स का यूज़ कर रहे थे, अभी आपने बंद कर दिया है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका हेमेस्टर कॉम्बैट बैन नहीं होगा। लेकिन अगर आप बोट्स को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो आपका हेमेस्टर बैन हो सकता है या अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। अभी वैसे यहाँ पर ये क्रैश देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो एरर आ रहा है ये सर्वर प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज हेमेस्टर जो है फिर से एक्टिव होगा। जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे, तब तक पेशेंस के साथ दूसरे जो यहाँ पर ऐप्स हैं उन पर वर्क करें, स्पेशली जो डॉक्स है उस पर वर्क करें, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी अच्छी खबर आ रही है। यहाँ पर इसका प्राइस देखिए, अगर आपके पास 61,000 डॉक्स है तो कितना बैलेंस हो जाएगा आपका, लगभग 4,880। ये किस प्राइस लेवल पर बात हो रही है, 0.04 के आसपास। मतलब आपको 1,000 भी मिले होंगे तो उसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, 10,000 हो गए होंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 500 से लगाकर $1,000, बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप यहाँ पर इस पर वर्क करें। अभी हमने यहाँ पर एक वोटिंग की जिसमें काफ़ी लोगों का मानना है कि समथिंग इज़ कुकिंग, कुछ ऐसा है जो यहाँ पर कुक हो रहा है, इनकी टीम के द्वारा लाया जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर ये क्रैश देखने को मिल रहा है, मतलब सर्वर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर
तीन प्रोजेक्ट से नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे कि डॉक तो जो आप क्लेम कर रहे हैं टेलीग्राम का टोकन होने वाला है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ और टोकन्स आ चुके हैं जो इसी तरीके से वर्क कर रहे हैं, जैसे ये वाला है डक और कल एक और आया था केट, तो तीनों जानवर यहाँ पर आ चुके हैं, केट, डॉग और डक। यहाँ पर तीनों को आप क्लेम कर लीजिए टेलीग्राम के थ्रू, आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर सबसे पहले वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, हर एक अपडेट वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। अब हम आपको मिलते हैं किसी अदर अपडेट के साथ, थैंक यू।